नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन जाधव, फाउंडर फंडामेंटल फार्मेसी, 6 times जीपैट, 1 स्नाइपर, ESIC, NHRM, DHS, DMR क्वालिफाइड। दोस्तों अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जीपैट का प्रिपरेशन कैसे करें, जीपैट 2024 का प्रिपरेशन कैसे करें? तो सबसे पहले जीपैट का पैटर्न जो है वो पैटर्न अभी तक डिसाइड नहीं है एज पर द PCI, बट एज आई गेस मुझे लगता है कि जैसे प्रीवियस ईयर का पैटर्न था वही पैटर्न आने वाला है। मतलब दे आर गोइंग टू आस्क यू 125 क्वेश्चंस विच आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 125 MCQs होंगे। उसमें इफ यू आंसर करेक्टली वन क्वेश्चन यू विल गेट 4 marks एंड इफ योर आंसर इज रॉन्ग -1 mark। मतलब सही आंसर के लिए आपको 4 marks, गलत आंसर के लिए -1 mark, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगा दोस्तों वहाँ पर। अच्छा, हमको सिखा रहा है। पैटर्न लगभग वैसे ही रहने वाला है, पैटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज नहीं होगा, बट वो पीछे आए अगर उनका दिमाग खराब हो गया तो वो चेंज भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई ये नहीं। लेकिन वी गेस कि मोस्ट ऑफ द टाइम पैटर्न वही रहेगा। तो दोस्तों प्रिपरेशन कैसे करना है? चलो भाई देखो अपने क्या करना है। प्रिपरेशन करना है आपको, जीपैट का सेक्शंस रहेगा 5 सेक्शन। 5 सेक्शन में आपको पहला सेक्शन रहेगा केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सेकंड सेक्शन रहेगा आपका फार्मास्यूटिक्स। थर्ड सेक्शन रहेगा आपका फार्माकोलॉजी। फोर्थ रहेगा कॉग्नोसी। एंड फिफ्थ सेक्शन रहेगा अदर सब्जेक्ट। तो देखो दोस्तों, अच्छा ठीक, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या आएगा आपका? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिसिस एंड आपका आएगा बायो केमिस्ट्री। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री सेक्शन जो है उसमें 38 क्वेश्चन आएंगे आपको, और वो 38 क्वेश्चन वो डिवाइड किए जाते हैं इसमें, इस सब्जेक्ट में। ठीक है समरिया। सुटिक्स में क्या आएगा आपको? फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आएगा, फिजिकल फार्मेसी आएगा, है ना, देन इंडस्ट्रियल फार्मेसी आएगा, बायो फार्मास्यूटिक्स आएगा, ये डिस्पेंसिंग फार्मेसी आएगा। तो ये बंच ऑफ है सब्जेक्ट आप, तो फार्मास्यूटिक्स नहीं, तो दे आर गोइंग टू आस्क यू 38 क्वेश्चन फ्रॉम फार्मास्यूटिक्स। तो ये कर लो पहले। थर्ड सेक्शन ऑफ योर जीपैट पेपर विल बी, तो तीसरा सेक्शन क्या होगा? फार्माकोलॉजी। वहाँ से आएगा आपको 28 क्वेश्चन, उसमें किस सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आएंगे? तो फार्माकोलॉजी में फार्माकोलॉजी 1, 2, 3 जो भी आज पर हो, एंड इट इज इन एडिशन टू दैट आपका पैथोफिजियोलॉजी जो है और आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है, ये सब मिला के फार्माकोलॉजी का सेक्शन बनेगा आपका। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। फार्माकोग्नोसी का सेक्शन जो होता है सेक्शन नंबर 4, उसमें क्या आएगा? तो उसमें सब फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे आपको, मतलब फार्माकोग्नोसी 1, 2 इसमें जो पार्ट है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। अपन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि कोग्नोसी में क्या इंपॉर्टेंट है, स्विच में क्या इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। ये वीडियो सीरीज होने वाला है, 8-10 वीडियो में स्विच करके डाउनलोड नहीं करते। लास्ट सेक्शन में क्या आएगा आपका? उसका नाम है अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट में क्या आता है भाई? अदर सब्जेक्ट में आता है आपका जुरिसप्रूडेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मेसी प्रैक्टिस, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। देखो ये जीपैट के 5 सेक्शन है आपके, आपको प्रिपेयर कैसे करना है मैं आपको बोलता हूँ बाकी वीडियोज में। थैंक यू। जलवा है हमारा।